नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है, यह स्वैच्छिक है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि वो इस मामले को देख रही है। केंद्र ने कहा कि व्हाट्सएप के जवाब दाखिल करने तक मामले की सुनवाई कोर्ट में टाल दी जाए। हालांकि केंद्र ने बताया कि व्हाट्सएप अपने भारतीय यूजरों के साथ अपने यूरोपीय यूजरों से अलग व्यवहार कर रहा है। केंद्र ने कहा कि ऐप की यूरोप के लोगों के लिए जो पॉलिसी है वो भारतीयों के लिए नहीं दी गई है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कहा था कि अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ये एक प्राइवेट ऐप है, अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए। कोर्ट ने कहा कि क्या आप मैप या ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आपका डेटा शेयर किया जाता है। दरअसल वकील चैतन्य रोहिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है, साथ ही यह नई पॉलिसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। याचिका में मांग की गई है कि हाईकोर्ट तत्काल प्रभाव से व्हाट्सएप को नई पॉलिसी लागू करने पर रोक लगाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि इस मामले में नोटिस जारी किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।